खबरां दी शुरुआत अज दी अहम खबर दे नाल। दिवाली मौके चलाए जाने वाले पटाकियां नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती विखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सूबियां नूं हुक्म दित्ते ने कि सख्ती दे नाल पालना कीती जाए, जे उलंघना होई तां चीफ सैकटरी नूं जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इह कहणा है सुप्रीम कोर्ट दा। उन्हां इह वी कहा कि सारे पटाकियां नूं बैन नहीं है, जो पटाके ज्यादा धुआं करदे ने, ज्यादा आवाज करदे ने, उन्हां पटाकियां नूं बैन कीता गया है। त्योहारां दी आड़ दे विच इस दी उलंघना दी इजाजत नहीं दित्ती जा सकदी। 2017 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने घट प्रदूषण ते घट आवाज अते ग्रीन पटाकियां नूं इजाजत दित्ती सी। बेरोजगार बीएड टेट पास अध्यापकों का गुस्सा लगातार वधदा जा रहा है। बेरोजगार अध्यापकों के वल्लों जलंधर दे विच सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह दी रिहायश दे बाहर धरना लगा दिता गया। अपनियां मंगां नूं लैके नारेबाजी कीती गई। प्रशासन दे वल्लों अध्यापकों नूं मुख्यमंत्री चन्नी दे नाल मुलाकात दा भरोसा दिवाउण तों बाद अध्यापक शांत होए। अध्यापकों दे वल्लों अपना धरना प्रगट सिंह दे घर बाहरों उठाउण दा फैसला कीता गया अते जलंधर बस स्टैंड ते पक्का मोर्चा लगाई रखण दा फैसला लिया गया है। अध्यापकों दे मुताबिक जेकर कल दी मीटिंग दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों समाजिक सिक्ख्या पंजाबी हिंदी दे सब्जेक्टिव दे लई 9000 असामियां दा नोटिफिकेशन नहीं जारी हुंदा तां जलंधर दे विच धरना पक्का लगाया जाएगा। दस्सियोग है कि एसएसटी हिंदी पंजाबी दियां खाली पोस्टां नूं भरन नूं लैके मामला गरमाया होया है। अज सवेरे जलंधर बस स्टैंड ते बेरोजगार बीएड टेट पास अध्यापकों दे वल्लों कैप्टन सरकार खिलाफ धरना प्रदर्शन लगाया गया, जिस दौरान तड़कसार दो अध्यापक बस स्टैंड दे विच मौजूद पानी वाली टैंकी ते चढ़ गए। इस दौरान अध्यापकों ने प्रगट सिंह दी रिहायश दे वल कूच कीता, जिस दौरान पुलिस ने उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई सी। इस धक्कामुक्की दे विचाले दो महिला अध्यापक गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गईयां सन, जिन्हां नूं सरकारी हस्पताल दे विच दाखिल कराया गया है। आया जी एम ए पंजाबी एम ए हिस्ट्री कीती हुई है, तेरी बी एड टेट पास आ, ते पोस्टां साडियां बड़े सालां तों नहीं निकल रहियां, ते सरकार अगे इहो गुजारिश आ कि पोस्टां साडियां कड्ढो ते असीं रोजगार अपनी सौखी रोटी खा सकीए। आ धक्के खाण डए आ जी, कदी मनीष फाजिलका भाजी 70 दिनां तों बैठे सी ते हुण उहनां दे साथ असीं देण वास्ते इत्थे जलंधर आए हां। सरकार अगे गुजारिश आ कि साडियां जल्द तों जल्द पोस्टां दा जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी कीता जावे। ममता, तुसीं कित्थों आए? मैं लोकली आए। बच्चे नाल लै के आए? हां जी। तुसीं की कीता वा? मैं भी एमए बीएड कीती नहीं ते साडी कोई नौकरी नहीं, 4.5 साल हो गए कोई पोस्ट नहीं लगी। पंजाबी च कीती? एसएससी। मैं सुखविंदर सिंह ढलवा, सूबा प्रधान पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन पंजाब। असी पिछले 4.5 साल तो कांग्रेस के घर घर रुजगार के वादे को पूरा करवाने के लिए, अपना रुजगार प्राप्त करने के लिए, मास्टर केडर दी आसामियां दे इश्तिहार जारी करवाने लिए प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। पटियाले के मोती महल अगे जबर किया जाता रहा साढ़े ते, संगरूर सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला की कोठी अगे जबर किया जाता रहा। असी 9.5 महीने विजेंद्र सिंगला कोठी के नहीं बढ़ दिता गया, उन्होंने रिहायश के नहीं आने दिता। साढ़े एक साथी पिछले 65 दिनों तो संगरूर पानी वाली टैंकी से चढ़िया होया, सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला की कोठी के नेड़े, जदों उन्होंने महकमा बदल गया, नवे सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह तो आस सी, तो सरकारी स्कूलों के खाली पईआं सारिया असामिया का, खास करके एसएससी की पंजाबी दी 9000 असामिया का इश्तिहार जारी करनगे। परंतु 2-3 मीटिंगां लगातार होने तो बाद भी सिक्ख्या मंत्री सरदार प्रगट सिंह ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तां करके यह लंघी रात साढ़े साथियों यह जलंधर में आ के इस टैंकी से चढ़ना पै। बहुत थोड़े समय बाद असी सिक्ख्या मंत्री सरदार प्रगट सिंह की कोठी वाल मार्च भी करांगे अपनियां असामियां दा इश्तिहार जारी करवाउण लई। कोरोना की दहशत एक बार फिर सामने आने लगी है। हिमाचल प्रदेश दे विच कोरोना वायरस के मामले फिर तो वधन लगे ने। प्रदेश के सब तो वड्डे हस्पताल IGMC दे विच 4 डॉक्टरों के समेत 261 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने अते एक दिन दे विच 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरण वालों दे विच कांगड़ा अते शिमला का एक व्यक्ति जबकि एक महिला ने दम तोड़िया है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ENT ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ EGMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। IGMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 1129 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 640
आंकड़ी पहुंच चुका है। हुण तक प्रदेश दे विच 3725 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब दौरे नूं लैके अरविंद केजरीवाल दा जिक्र करदिआं बठिंडा दे विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहुंचे, व्यापारियों नाल मुलाकात कीती, भरोसा दित्ता कि 1 अप्रैल तों उहनां नूं डरन दी लोड़ नहीं है। 1 अप्रैल इस लई कि फरवरी दे विच वोटां पैंदियां ही मार्च दे विच नवीं सरकार होण दे विच आ जांदी है, इस करके केजरीवाल 1 अप्रैल दा भरोसा दे रहे ने। उहनां दा कहना है कि जेकर आम आदमी पार्टी दी सरकार आई तां व्यापारियों नूं कोई परेशानी नहीं होएगी, असीं सरकार बनते ही इंस्पेक्टरी राज खत्म कर देंगे, पंजाब दे विच गुंडा टैक्स की वसूली भी बंद होएगी। यह कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दस दी कि बीते दिन अरविंद केजरीवाल बठिंडा पहुंचे, व्यापारियों नाल मुलाकात की, पंजाब दे विच इंस्पेक्टरी राज खत्म करने का दवाया भरोसा, कहा नहीं लगेगा जो जो टैक्स। सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज़्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज़्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा, 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए, अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसोट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे, किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे ये सब। अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है, पुलिस को कौन कहता है? जो जो टैक्स वाले कहते हैं, इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर SHO भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था, न पार्टी बची थी न नेता बचे थे, भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी, सारे भ्रष्टाचारी थे, कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात, सारे चोर थे, सारे डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाई है, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया, और उसके लिए पूरी व्यवस्था जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं यहां पे, जो जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। जलंधर अमृतसर हाईवे ते फोकल पॉइंट चौक दी कुछ दूरी ते स्थित SBI दे ATM नूं गैस कटर दे नाल कट के लखां रुपए चोरी करन दा मामला सामने आया है। देर रात हुई इस वारदात दी जानकारी मिलदे ही थाना नंबर 8 दी पुलिस मौके ते पहुंच गई ते जांच दे विच जुट चुकी है। दस्या जा रहा है कि नकाबपोश चोरां ने इस वारदात नूं अंजाम दित्ता है। पुलिस हुण ATM दे आसपास लगे CCTV फुटेज चेक करके लुटेरियां दा रूट खंगाल कर रही है। काफी लंबे समय तो बाद गैस कटर गिरोह ने शहर दे विच दस्तक दिंदिया कमिश्नरेट पुलिस दी कारगुजारी तो पर्दा भी हुण उठा दिता है।
जानकारी के अनुसार गैस कटर गिरोह ने देर रात 2:30 इस वारदात को अंजाम दिता। जिस तरीके दे नाल एटीएम नु कटिया गया उस तो साफ है कि यह वारदात प्रोफेशनल चोर गिरोह दे मेंबरां दे वल्लों कीती गई है। चोरां ने आउंदे ही एटीएम दे विच लगे सीसीटीवी कैमरियां नु तोड़न दी कोशिश कीती। हालांकि बैंक दे मुंबई स्थित हेडक्वार्टर दे विच सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई है। फिलहाल पुलिस ने बैंक अधिकारियों दे बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है। रामा मंडी दे विच डेंगू लगातार वाधा जा रहा है। डेंगू दे कारण शहर दे विच दहशत दा माहौल है। दिनों दिन वध रहे डेंगू दे प्रकोप नू देखदिआं फॉगिंग स्प्रे दी शुरुआत शहर दी समाज सेवी संस्था हेल्पलाइन वेलफेयर सोसाइटी दे प्रधान बॉबी लहरी दी अगवाई दे विच शुरू कीती, जिसका शुभारंभ रामा मंडी गीता भवन विखे पुजे स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज ने अपने शुभ हथां दे नाल कीता। इस मौके स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज ने बोलदिआं कहा कि अज रामा मंडी दी समाज सेवी संस्था हेल्पलाइन द्वारा जो कार्य कीता गया है बहुत ही शलांघायोग कदम है। जिथे अज पूरा शहर डेंगू दे प्रकोप दे नाल लड़ रहा है उथे हेल्पलाइन सोसाइटी ने पहल कदमी करदिआं डेंगू दे प्रकोप तों लोकां नूं बचाउण दे लई मंडी दे विच फॉगिंग स्प्रे छिड़काई जा रही है। यहां आज हेल्पलाइन जो सेवा दल बना हुआ है रामा मंडी में, आज जो पूरा भारत में कोरोना का ये और डेंगू का ये बीमारी चल रही है, उसके उपाय के लिए हमारे सभी यहाँ रामा मंडी के हेल्पलाइन सेवा दल ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी जो उसका उद्घाटन हो गया है ये धुआं दूर करने के लिए और ये डेंगू ख़त्म करने के लिए जो उपाय इन्होंने किया है बहुत सराहनीय है, धन्यवाद है। हम भी इनको परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आगे के लिए ऐसे कार्य जो मंडी के अंदर और देश के अंदर होते रहें जिससे हमारे देश को सहायता मिले और उसमें से सभी जितने भी मानव मात्र के लिए सेवा भाव जो इनका लक्ष्य है उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और सराहनीय योग्य हैं। हम गीता भवन में आज यहाँ रामा मंडी में आया हूँ और दिन में भी जो यहाँ इन्होंने एक शिविर लगाया थीगा वैक्सीन का कई दिनों से चल रहा है उसका भी सराहनीय इनका कार्य कर रहे हैं। सभी मानव मात्र के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए सभी को जो सभी का भला हो, सर्वभूतिते रतः सभी का भला हो, सभी का हित हो, ऐसा मानव के लिए कल्याण करना जरूरी है, आवश्यक है। आज के समय के अनुसार मिल करके करेंगे तो बीमारी का सभी का खात्मा हो सकता है संसार के अंदर। सर ये रामा मंडी दे विच पता ही है कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैलिया होया ते पिछले दिन अखबारों के भी खबर लग रही हैं तो साढ़े को भी ब्लड वास्ते फोन आते पता लग रहा कि डेंगू काफ़ी फैल चुका है तो रामा मंडी दे विच फॉगिंग की डिमांड हुई ताकि इस डेंगू पर काबू पाया जा सके। उस दे तहत असी दानी सज्जना के तहत सहयोग नाल असी अज एक फॉगिंग मशीन लिया तो जिसका अज आरंभ गीता भवन विखे श्री महाराज सुरेश मुनि जी ने किया है तो इस तो बाद असी डोर टू डोर कोशिश करांगे कि हर घर दे तक असी ये फोकिंग पहुँचाईए ताकि डेंगू उत्ते यह काबू पाया जा सके। उस तो बाद जिहड़ी इस विच पेस्टीसाइड की सेवा है वो सानू कृष्णा पेस्टीसाइड श्री जोनी जी तो श्री नोनी बंगी जी वालों दी जाऊगी, उन्होंने सानू पूरा सहयोग दे दी वादा किया है कि जिनी भी पेस्टीसाइड लगेगी वो असी सानू फ्री देवे। तो एक बार फिर मैं यही गल कहूँगा कि लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो कितने कोई पानी खड़ा है तो पानी ना खड़ा होने देन, तो असी भी कोशिश करांगे भी हर घर तक ये फॉगिंग पहुँचे। थैंक यू। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 1 नवंबर नूं पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग करनगे। मीटिंग पंजाब सकत्तरेट चंडीगढ़ दे विच बाद दोपहर नूं होएगी। दस दिए कि मुख्यमंत्री चन्नी ने 27 तरीक नूं लुधियाना दे विच कैबिनेट दी बैठक कीती सी। पंजाब विधानसभा चोणां नूं नज़दीक वेखदे होए मुख्यमंत्री हुण जल्दी तो जल्दी महत्वपूर्ण फैसले लैण दे मूड दे विच ने। सरकारी सूत्रां तों पता लग्गिआ है कि 1 नवंबर नूं होण वाली कैबिनेट बैठक दे विच पंजाब दे कच्चे कर्मचारियां नूं पक्के करन दे संबंध विच होई महत्वपूर्ण ऐलान कीता जा सकदा है। इस तरह सूबे दे नाल संबंधित कुछ होर महत्वपूर्ण फैसले भी लए जाण दी चर्चा चल रही है।
ਵਿਆਹਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਡਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਬੋਲਾ ਆਦਿ ਖੇਡ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਯਵਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਟਫ ਵਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਾਗ ਰਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਟ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਭਗ 25 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਰਤ ਦੀ ਉੱਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲਣ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੈਮ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 30 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 30 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਤ ਖੋਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।